क्या आप जानते हैं दोस्तों कि एक एवरेज इंसान साल भर में सिर्फ 12 से 15 बुक्स पढ़ता है, वहीं दूसरी ओर जो बिलो एवरेज लोग होते हैं वो साल भर में सिर्फ 4 से 6 बुक्स पढ़ते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो साल भर में 50 प्लस बुक्स पढ़ते हैं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, मार्क जगरबर्ग, रतन टाटा, ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जो साल भर में 50 प्लस बुक्स पढ़ पाते हैं। तो अब आप और मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि वो ये इतनी सारी बुक्स कैसे पढ़ पाते हैं। तो डोंट वरी दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 टिप्स शेयर करने वाला हूं, जिससे आप अपनी बुक रीडिंग की हैबिट को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, जो सबसे पहली बात आपको बुक रीडिंग से पहले ध्यान रखनी है वो है कि आपको अपनी रीडिंग का एजेंडा डिसाइड करना होगा, यानी कि आप किसी भी बुक को क्यों पढ़ रहे हैं, आपके बुक को पढ़ने का पीछे का रीज़न क्या है। दोस्तों अब इस केस में आपके सामने 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। दोस्तों पहला सिनेरियो कि आप एक स्कूल या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं और आपके नियर बाय एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आपको पढ़ करके एग्ज़ाम्स देने हैं एंड जस्ट मार्क्स अचीव करने हैं। इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर क्या चीज़ बताई गई है क्या चीज़ नहीं। और सेकेंड सिनेरियो ये हो सकता है दोस्तों, अब इस केस में आप स्कूल में जाने वाले विद्यार्थी भी हैं प्लस में आपको मार्क्स भी चाहिए, लेकिन इस केस में आप बुक्स के अंदर जो चीज़ बताई गई है वो आप समझना चाहते हैं। और थर्ड केस है कि आप कोई स्कूल गोइंग या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट नहीं हैं और ना ही आपको कोई एग्ज़ाम देना है, आप किसी बुक को इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि आप वो बुक पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको वो बुक पढ़नी है। अब इन तीनों केसेस में से पहले दो केसेस में आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक सिंपल सा मेथड यूज़ करना है। आपको सबसे पहले, आप जिस भी बुक को रीड करेंगे, सबसे पहले मेरे पास जैसे एग्जांपल के लिए बुक है, आई हैव अ बुक, ये बीकॉम की बुक है एडवर्टाइजमेंट की। तो सबसे पहले आपको एक ब्लैंक पेज लेना है, आप A4 साइज का कोई भी पेज ले सकते हैं। उसके बाद आपने सबसे मिडल में यहाँ पर आपने उस बुक का नाम लिखना है, जो भी बुक है, सपोज कीजिए ये एडवर्टाइजमेंट की बुक है तो बीच में आएगा एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद आपने बुक के एडवर्टाइजमेंट लिखने के बाद इसकी सब हेडिंग बना लेनी है, हेडिंग्स बना ली आपने, इन हेडिंग्स अंदर क्या लिखना है, कोई भी बुक होगी उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं, सपोज कीजिए इस बुक के अंदर 15 प्लस चैप्टर हैं, तो आपने सबसे पहले बुक का नाम लिखा, फिर हेडिंग्स बना करके 15 चैप्टर्स का नाम लिख लिया। अब उसके बाद जब आप कोई चैप्टर ओपन करोगे, चैप्टर खोलोगे, तो उसके अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं, सपोज कीजिए किसी चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक हैं, किसी के अंदर 6 टॉपिक्स हैं, तो आपने सबसे पहले बुक का नाम लिखा, उसके बाद चैप्टर का नाम लिखा, उसके बाद आप चैप्टर्स के बाय चैप्टर सब हेडिंग बना करके उसके टॉपिक्स का नाम लिख सकते हैं। आपने इतना काम कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपने उस चैप्टर को ओपन करना है, उसके बाद आपने देखना है कि इस चैप्टर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। आपने वो सारी चीज़ें एक बार डिटेल में पढ़ ली, उसके बाद आपने उन चीज़ों को नोट करना है, आपने जो सब हेडिंग बनाई थी टॉपिक्स की, ऐसे करके आप पूरी की पूरी बुक को उस पेपर के ऊपर, एक सिंगल पेपर के ऊपर उतार लोगे। एंड जब आपके एग्ज़ाम आएंगे, तो एग्ज़ाम्स के अंदर आपकी लगभग एक सेमेस्टर में 6 से 7 बुक्स होती हैं, तो जो जिन्होंने इस मेथड का यूज़ नहीं किया है उनके पास 6 ऐसी किताबें होंगी जिनको पूरी रीड करनी पड़ेगी, लेकिन आपके पास क्या होगा, आपके पास होंगे सिर्फ 6 पेजेस जो आपने अपनी मेहनत करके बनाए हैं। एंड जब आप उन पेजेस को देखोगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली रिकॉल कर लेगा कि इस टॉपिक के अंदर या इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर क्या चीज़ हमें पढ़ाई गई थी। तो आप इस मेथड का यूज़ करके इजीली 80 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो ये मेथड दोस्तों उन सभी के लिए जो स्कूल में जाते हैं या फिर कॉलेज में जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे थर्ड सिनेरियो के बारे में, जिसमें आप किसी बुक को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप वो बुक पढ़ना चाहते हैं, उसके अंदर जो बात बताई गई है उसको आप डीपली समझना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है YouTube के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आप YouTube पर चले गए और उस बुक के बारे में आपने सर्च करना है। जैसे सपोज कीजिए कि आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप YouTube पर जाएंगे, उसके सर्च बार में लिखेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑडियो बुक समरी इन हिंदी, अगर आप हिंदी में चाहते हैं हिंदी के अंदर, या फिर और कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, आपने उसके अंदर सिंपली टाइप किया तो आपके सामने होगा क्या, उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलने लगे, आपकी जो बुक है
उस सेम ऑडियो बुक के अंदर अपलोड हुई है। ऐसे ऐसे चैनल्स हैं जो बुक्स की समरी और बुक्स की ऑडियो बुक्स बनाते हैं दोस्तों, और हमारा चैनल भी उनमें से एक है। हमारे चैनल पर आपको 50 प्लस बुक्स की समरीज ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो आपने वहाँ पे गए, आपने उस बुक की ऑडियो बुक समरी डाउनलोड की या फिर आपने ऑनलाइन उसको देखा, अब आपके पास क्या है, अब आपके पास वो पेपर बुक भी है, प्लस में आप उसकी वीडियो भी देख रहे हैं। तो अब इससे क्या होगा, आपकी दो सेंसेस यानी कि आँख और कान, ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो इससे आप उस बुक को और भी ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। मैन बाय द वे, अगर आपने कोई बुक सर्च की और वो यूट्यूब पर नहीं मिली तो अब आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी गूगल पर यूट्यूब के मुकाबले बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है। आपने ये दोनों मेथड किए तो आप इस मेथड से बुक को अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 घंटे के अंदर कवर कर लेंगे, एक कंप्लीट बुक। एंड यहाँ पर एक कई बार लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमारे पास तो पेपर बुक है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप गूगल पर जा करके उस बुक का PDF सर्च कर सकते हैं, जो कि फ्री में अवेलेबल हो भी सकता है और नहीं भी। अगर मिलता है तो आप उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, एक साथ में आप वीडियो को देखिए एंड दूसरी तरफ आप PDF के अंदर उसे रीड करने की कोशिश कीजिए, तो आप उस बुक को ईजिली पढ़ पाएंगे और उसको समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हमारे थर्ड टिप के बारे में। जब भी आप कोई वीडियो देखे या फिर ऑडियो सुने तो आपने उसके नोट्स को लेना है पेपर के ऊपर, या फिर किसी डायरी को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस वीडियो को बनाने के लिए भी मैंने काफ़ी सारे नोट्स बनाए हैं, अगर आप इसको देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो इन नोट्स के ज़रिए ही मैं इस वीडियो को आप लोगों के सामने डिलीवर कर पा रहा हूँ। तो आप जब कोई भी वीडियो देखें या फिर ऑडियो सुनें, क्योंकि आज ऑडियो बुक के प्लेटफॉर्म्स भी काफ़ी आ चुके हैं, तो आपके उसके नोट्स आपने उसके पेपर पर नोट करने हैं। उसके बाद आता है मेथड, अगर आप उस बुक को पढ़ रहे हैं तो आपने इंपॉर्टेंट हेडलाइंस जो हैं उसको अंडरलाइन कर लेना। आप कोई मार्कर यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर आपने लाइन लगा करके आप उस चीज़ को अंडरलाइन कर सकते, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम उस बुक को पढ़ें तो आप चीज़ों को ओवरव्यू कर पाए, आपको पूरी डीपली वो बुक नहीं पढ़नी पड़े। क्योंकि कोई भी बुक होती है उसके अंदर 60% मटेरियल ऐसा होता है जो फिलर्स होता है, वहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, कुछ स्टोरीज आपको मिलेंगे, अप्रोक्सीमेट 20 से 30% ही ऐसा मटेरियल होता है जो ऑथर उसके अंदर आप लोगों को डिलीवर करना चाहते हैं। एंड आपको इन मेथड्स के द्वारा वही 20 या 30% कंटेंट निकालना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारी फोर्थ रीडिंग टिप के बारे में। दोस्तों ये टिप बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और इसका मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर यूज़ भी किया है। अगर आप ऐसे रीडिंग करेंगे तो आप अपनी रीडिंग को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना पाएंगे, और इसके साथ ही आपने जो चीज़ पढ़ी है वो आपके माइंड में लंबे टाइम तक रहेगी। दोस्तों आपको इमेजिन करना है कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़े कि आप उसको किसी दूसरे पर्सन को समझाने वाले हैं या फिर किसी और को पढ़ाने वाले हैं। सपोज कीजिए कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों कि कैसे बुक्स को जल्दी से और इफेक्टिव तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आप भी अपने माइंड में इमेजिन कीजिए कि आप किसी क्लासरूम के अंदर बैठे हैं और आप विद्यार्थियों को ये बता रहे हैं कि कैसे आप एक बुक को इफेक्टिवली और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, वो भी कम टाइम के अंदर। अगर आप इस वीडियो को ऐसे देखेंगे, ऐसे इमेजिनेशन के साथ जोड़ करके, तो आप इस वीडियो की सारी बातों को अपने माइंड की मेमोरी के अंदर लॉन्ग टाइम तक रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारी फाइनल टिप के बारे में। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है या फिर आपने ऑडियो बुक्स के माध्यम से सुना है, उसको अपनी रियल लाइफ के अंदर अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसे उन चीज़ों को अपनी रियल लाइफ के अंदर अप्लाई करेंगे, अपनी हैबिट्स के अंदर शुमार करेंगे, तो आप उन चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये 5 टिप्स आपकी रीडिंग हैबिट को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। एंड अगर आपके पास कोई और मेथड है जिससे आप अपनी रीडिंग को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमारे व्यूअर्स और हमें भी फ़ायदा मिले। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। वी लव यू ऑल दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।